हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में साइंटिस्ट हूँ। और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये सभी के लिए खुशखबरी है जो भी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पर आज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, जो BRC है अपना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, एक नोटिफिकेशन निकाला है आज 22 अप्रैल 2023 को, जिसमें बहुत बम्पर वैकेंसी निकाला है सभी के लिए। ठीक है, तो कुछ इसमें वैकेंसी डायरेक्ट हैं और कुछ इसमें वैकेंसी हैं जो पहले आपका ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपका परमानेंट जॉब होगा। तो बात करते हैं पहले जो कुछ डायरेक्ट जो वैकेंसी है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ आपके साथ। तो जो डायरेक्ट हैं वो हैं आपकी टेक्निकल ऑफिसर सी ग्रेड्स के लिए। ठीक है, ये इक्वलेंट टू साइंटिफिक ऑफिसर वैकेंसी रहती है। लेवल ग्रुप जो होता है इसका, वो लेवल ए होता है, ग्रुप ए की वैकेंसी है ये। लेवल 10 से स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी जो है। और उसके बाद इसमें है साइंटिफिक असिस्टेंट बी डायरेक्ट के लिए। तो इसमें क्या है, 7 वैकेंसी हैं और जो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए था उसमें 181 वैकेंसी हैं। और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये भी लेवल C से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद आता है टेक्नीशियन बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी और इसके लिए 24 वैकेंसीज हैं। ये ग्रुप C के अंडर आती है वैकेंसी और इसका लेवल 3 से आपका स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। और अब इसमें वैकेंसी आती है उनके लिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर जो लोग ITI के हैं उनके लिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। टोटल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैटेगरी 1, जो कि आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके नीचे एक पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट, ये उसके नीचे उसके लिए मतलब जाते हैं बच्चे जो कैटेगरी 1 अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला है 1216, 1216 वैकेंसी निकाला है। और कैटेगरी 2 जो लेवल C के लिए रहेगा, ग्रुप C के लिए, उसमें है वैकेंसी इनका 2946 वैकेंसी उन्होंने निकाला है, जो जो ITI के बच्चे होते हैं उनके लिए रहेगा। और जो कैटेगरी 1 रहता है वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए रहता है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको, आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वर्क करने के लिए। और ये वैकेंसी बहुत अच्छे नंबर में है, तो सभी लोग अप्लाई करो और सेलेक्ट हो। बहुत अच्छा अवसर दिया है इस बार। और ये जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 को ओपन हो जाएगा, 24 अप्रैल को, और ये रहेगा ओपन आपका 22 मई तक। और उसके बाद क्या होगा, आपका जो इन्होंने अपना एक प्रोसीजर दिया है सिलेक्शन का, उसको फॉलो करते हुए ये बहुत जल्दी ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अपना रिक्रूटमेंट क्लोज करता है काफ़ी जल्दी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना। और सब कुछ इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें डाल रखा है कि क्या इनका प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एग्जाम रहेगा तो उसका क्या, जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। और जो भी सिलेबस की जो, हाँ, जो सिलेबस है वो अभी ये डिस्क्रिप्टिव वे में जो सिलेबस है वो 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे साइट पे। तो आप ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना प्लान कर लो कि किस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी दिया है इन्होंने। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ हल्का सा, बाकी आपको जो नोटिफिकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें टेक्निकल ऑफिसर सी की जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमारे पास इसमें 181 वैकेंसीज हैं और ये इक्वल टू साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें जो ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांच नोटिफिकेशन में डाल रखी हैं। तो मेनली क्या है, इसमें जो वैकेंसी रहेगा वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, ऊपर बायोसाइंस भी है, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके लिए है, और मेटलर्जी एंड माइनिंग। लेकिन जो इसकी मेन वैकेंसी है वो मैकेनिकल में है, 44 वैकेंसी। तो मैकेनिकल वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक सुनहरा अवसर है डायरेक्ट जॉब के लिए। इसमें इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि इसका पहले हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू ले, अगर ज़्यादा रेस्पॉन्स आया तो कुछ एक स्क्रीनिंग के लिए रूल या लगाएंगे, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको बुलाएंगे
4 to 5 टाइम्स बच्चों को जो भी है इन्होंने, आप फॉर्म भर दो, तैयारी करो, बाकी देखते हैं आगे क्या है इनका रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये क्या नोटिफिकेशन निकालते हैं आगे फर्दर। देन इसमें क्या है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें वैकेंसी कम है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो 7 ही वैकेंसी हैं, फिर भी आप अप्लाई करना। और जो टेक्नीशियन भी है उसके लिए 24 वैकेंसी हैं, कमी है बट ठीक है, फिर भी अप्लाई करना। लेकिन जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो बम्पर वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिया है। और कैटेगरी 1 को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर चुका हूँ और दोबारा करता हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसमें 3 टाइप की जॉब है, जिसको मैं इस नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर्स आते हैं, ग्रुप बी में साइंटिफिक असिस्टेंट आते हैं, और ग्रुप सी में आते हैं टेक्नीशियन। तो जो ये कैटेगरी 1 की वैकेंसी है, ये आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट से स्टार्ट होता है आपका। और जो कैटेगरी 2 है उसकी वैकेंसी, मतलब आपका जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका टेक्नीशियन बी की पोस्ट से स्टार्ट होता है। जो उसका एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखा हुआ है मैं एक बार रीड कर दूंगा आपके लिए। मेनली जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनके लिए कैटेगरी 1 होता है, और जो ITI होल्डर होते हैं उनके लिए कैटेगरी 2 वैकेंसी होती है। और जितनी भी आपकी ब्रांच है सबके लिए इन्होंने डिस्क्राइब किया है आपकी वैकेंसी, तो आप अपना जो आप ब्रांच है आपकी स्पेसिफिक उसमें आप अप्लाई कीजिए। और अच्छे से मेहनत करना, और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जितनी भी वैकेंसी आएंगी बहुत जल्दी ये क्लोज करते हैं रिक्रूटमेंट को, मतलब कोई आपको टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में जो उन्होंने लिखा है वही उसी को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम भी टाइम पे होगा, इंटरव्यू भी टाइम पे होगा, बहुत जल्दी ये वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। मतलब आप मान के चल सकते हो कि इस ईयर के एंड तक आप शायद ज्वाइन कर जाओ, ऐसा हो सकता है, और उससे पहले ही। तो मैं बात करता हूँ पहले भी एक बार जो ट्रेनिंग के लिए बात कर रहा हूँ, जो जिनका ट्रेनिंग चलने वाला है, 2 ईयर का ट्रेनिंग है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के लिए। जो कैटेगरी 1 है उनका ट्रेनिंग पे 24,000 फर्स्ट ईयर में उनको मिलता है, और 26,000 सेकेंड ईयर मिलता है। और जो कैटेगरी 2 है उनके लिए 20,000 फर्स्ट ईयर मिलता है, और 22,000 आपको सेकेंड ईयर मिलता है। और ये आपका डायरेक्ट है, और उस पर क्या है कि रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की, सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अपने ऊपर लेता है, सब कुछ उनके स्कोप में होता है। आपको ये जस्ट स्टाइपेंड दिया जाता है, और जैसे आप ट्रेनिंग खत्म करोगे उसके बाद आपको जो कैटेगरी 1 वालों को साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, और जो कैटेगरी 2 वालों को टेक्नीशियन की पोस्ट डाल के जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ पे आपको आपकी रैंकिंग के बेसिस पे जो भी प्रेशर रखेंगे आपको वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कैटेगरी 1 के लिए। तो कैटेगरी 1 में क्या है, तो इन्होंने काफ़ी सारी ब्रांचेस के लिए रखा है, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, एक ही है। इसमें 21 वैकेंसीज हैं टोटल, केमिस्ट्री के लिए 169 वैकेंसी हैं। और सभी के लिए देखो इस तरीके से है कि जो BSc रहेगा इनके लिए, और बाकी सबके लिए डिप्लोमा रहेगा जो टेक्निकल फील्ड में रहेंगे, और जो साइंस साइड में रहेंगे उनके लिए BSc रहेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। और फिजिक्स के लिए 117 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 25 है, एग्रीकल्चर के लिए 2 है, और हॉर्टिकल्चर के लिए 6 है। उसके बाद अब आता है टेक्निकल में, जिसमें केमिकल वाले हैं उनके लिए अच्छा खासा वैकेंसी है, 171 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 144, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59, और मैकेनिकल राजा है, किंग है, 328 वैकेंसी है। और उसके बाद मेटलर्जी के लिए 5 वैकेंसी है, आर्किटेक्चर के लिए 2, सिविल के लिए 62 वैकेंसी है, 62 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल वालों के लिए 4 हैं, और जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी उनके लिए 3 वैकेंसी है। तो ऐसे करके अच्छी खासी वैकेंसी दिया है सबके लिए। जो इनका डिग्री और डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने राइट साइड में सब कुछ दिया हुआ है, आप अच्छे से नोटिफिकेशन रीड करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैं मैकेनिकल वालों के लिए पढ़ देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा आपको फील आए। तो मैकेनिकल वालों के लिए डिप्लोमा है मैकेनिकल में, सिंपल लिख दिया है, ठीक है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में उनके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं वो। और ये इनका जो मिनिमम है वो ध्यान रखना 60% मार्क्स मिनिमम रहेगा इसमें, मतलब जिनके इससे कम मार्क्स है वो नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, जिनके मार्क्स इससे ज़्यादा है वही फॉर्म भर सकते हैं। और ये कैटेगरी वाइज भी है, इसमें कैटेगरी है SC ST OBC EWS और जनरल, सभी के लिए इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है अपनी वैकेंसी को, तो आप देख सकते हो।
नोटिफिकेशन में। देन उसके बाद जो कैटेगरी टू है उसके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला हुआ है, उसमें बहुत वैकेंसी हैं, 2900 के आसपास वैकेंसी निकाला है। तो इसमें थोड़ा एक बार रीड कर देता हूँ मैं। तो जो फिटर वालों के लिए सबसे पहले है वो अराउंड 700 वैकेंसीज हैं, 698 वैकेंसी फिटर वालों के लिए, ठीक है। जैसे इनका एजुकेशन जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो SSC विद साइंस एंड मैथ्स विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट PLUS ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, जहाँ से भी आपने किया 60% मार्क्स रहना चाहिए आपका मिनिमम। उसके बाद टर्नर और मैकेनिस्ट के लिए 213 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 99, मैकेनिक्स और जो टूल मेंटेनेंस वाले होते हैं उनके लिए 18 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए अराउंड 400 वैकेंसी है, 399, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए 226 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए 152, और जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है उसके लिए 95 वैकेंसी है, ठीक है। ड्रॉटमैन के लिए 15, मेसन के लिए 30, प्लम्बर के लिए 42, कारपेंटर के लिए आपका 27 है, ऐसे करके ऑलमोस्ट सबके लिए। हाँ, प्लांट ऑपरेटर के लिए 532 वैकेंसी है, ठीक है। लेबोरेटरी वालों के लिए 303 वैकेंसी हैं। तो ये सब इन्होंने पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन दिया है, अच्छे से रीड करो एक बार आप। और बाकी जितना भी इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज, और जो कैटेगरी में है उनको कितना रिलैक्सेशन दिया है, इसमें सब कुछ नीचे दिया हुआ है, अच्छे से रीड करना आप और फॉर्म को फिल कर दो। परसों से 24 अप्रैल से इनका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। और जो आपका कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के लिए है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा मैं थोड़ा एक बार रीड कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से रीड करना आप। जो कैटेगरी वन है उसके लिए पहला जो एग्ज़ाम होगा, पहले उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स का राइट आंसर पर मिलेगा, रॉन्ग आंसर पर आपको -1 मिलेगा। और उसके बाद इसके स्क्रीनिंग बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जो भी इसका मतलब सिलेक्शन होगा वो ओनली इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो जस्ट आप पासिंग के लिए रहेगा, और उसके बाद जो बंदे सेलेक्ट होंगे उनको कॉल करेंगे, और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कैटेगरी टू के लिए है उनका क्या है, दो तीन स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया है, स्टेज 1, 2, 3, जिसमें पहला वाला जो है उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा आपका, उसका आपका जो एग्ज़ाम है वो नीचे डाल रखा है कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 20 होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, और आपको 1 घंटा मिलेगा इसमें पूरा। और सेम है, 3 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन पर, -1 आपके गलत क्वेश्चन पर रहेगा। ये आप अगर क्वालिफाई करोगे, सबके लिए कॉमन रहेगा एग्ज़ाम। फिर उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा स्टेज 2, वो एडवांस टेस्ट होता है, उसमें आपका क्या होगा, वापस से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और वो क्या रहेगा कि मतलब आपके उससे पूछे जाएंगे, जो आपका कोर है उससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड होगा आपका स्किल टेस्ट, जो कि जो बच्चे इसमें दोनों में शॉर्टलिस्ट होंगे वो आपका सेंटर पर बुला के उनका स्किल टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, ठीक है। तो आपका जो सब कुछ इसमें प्रोसीजर दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, और ध्यान रखना लास्ट डेट का वेट मत करना, वैसे 22 मई लास्ट डेट है इसका, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करना, पढ़ाई स्टार्ट कर दो अच्छे से मन से, और क्योंकि ज़्यादा टाइम देगा नहीं आपको, फॉर्म भरने के बाद 1 या 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और फॉर्म थोड़ा आसानी मतलब आराम से भरना, गलती मत करना, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चों के फॉर्म जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ दिक्कत आए तो वो जल्दी से करेक्ट नहीं करेंगे। और फीस बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा फीस रखा नहीं है उन्होंने। टेक्निकल ऑफिसर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए 500 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 है, टेक्नीशियन के लिए 100 है, और जो ट्रेनिंग के लिए उनके लिए 150 और 100 इनकी फीस है, और बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उनके लिए फीस है ही नहीं, SC ST PWD वुमेंस के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी सब कुछ दिया है, एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना पूरा, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि इस साल के एंड तक ये आपका कंप्लीट हो जाना है, आपको जहाँ पे ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। और क्योंकि अभी क्या है, हर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होता है मैन पावर का, इसलिए निकाला गया है। तो अच्छे से पढ़ो, और बाकी आगे जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा या जब कोई और न्यूज आएगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। टच में रहो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हाँ इसका रिक्रूटमेंट है, और वो भी अपना फॉर्म भर सकें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।